देता है जो किसी मजहब के खिलाफ इस्लामी तशखीस को मजबूर करने के लिए कोई प्रोग्राम पेश करे। मोहतरमा सामीन, अगर हम गौर करें तो दुनिया की तमाम ममालिक के बाद तस्लीम कर चुके हैं कि मीडिया की जंग एटम बम से भी ज्यादा होना के, क्योंकि एटम बम से सिर्फ हम किसी मुल्क का कुछ हिस्सा तबाह कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के जरिए हम मुल्कों और कौमों को तबाही और बर्बादी की जानिब तक कह सकते हैं। माजी में हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी मीडिया की तरक्की और बेहबूद पर कोई खास तवज्जो नहीं देगी जितने की अब दी जा रही है। आज हमारे मुल्क में बेशुमार चैनल खुल गए जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और दुनिया भर में होने वाले वाकियात से आवाम को बाखबर कर रही है। आज पाकिस्तानी मीडिया में इस्लामिक राइटर फंड का किरदार रोज रोशन की तरह आया है, जो मुल्क में मुख्तलिफ तशरीह प्रोग्रामों और कोर्सों के जरिए नौजवान नस्ल की रहनुमाई कर रही है और इसके बहुत से मुस्बत नताज सामने आए। जिक्र शुदा अथाई की रोशनी में यह अमल वाजे हो जाती है कि दुनिया के कम तरीके याफ्ता ममालिक भी यह बात तस्लीम कर चुके हैं कि मीडिया की जंग एटम बम से ज्यादा और ना के। और आखिर में मैं इस्लामिक राइटर फोरम के ऑर्गेनाइज और असातिज़ा इकराम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तलबा के लिए इतनी कामयाब प्रोग्राम का इनकार किया। और आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम शेयर करना चाहता हूँ। तो इंकलाब की आमद का इंतजार मत कर, तो इंकलाब की आमद का इंतजार मत कर, जो हो सके तो अभी से इंकलाब पैदा कर। वसलाम।